अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। अयोध्या उस समय चर्चा में थी कि बीजेपी क्यों हारी। अयोध्या चर्चा में यह है कि अयोध्या के भदरसा में सपा नेता मोहित खान व उनके साथी ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी पहले मामले को टालते रहे, लेकिन जब मामला तूल पकड़ता देख फिर आखिरकार उसके साथी को पुलिस ने जेल भेज दिया, क्योंकि इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी उठाया था। चौकी मोहित खान के कमरे पर चल रही थी, इसलिए उसका दबदबा रहता था। लेकिन आज हम लोग जो है मौजूद हैं इस समय उस पीड़िता के घर के सामने, जहां पर भाजपा के एक डेलीगेशन टीम, रामबाबू निषाद, राज्यसभा सांसद रामबाबू निषाद के नेतृत्व में एक डेलीगेशन टीम की कमेटी यहाँ पर घर पे अंदर आई हुई है और वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर रही है और एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में इस घटना कैसे घटित हुई, पूरा मामला क्या है। साथ में अगर बात करें तो शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये गाँव है और ये सामने मकान है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा मकान को दिखाने का प्रयास करें। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफ़ी आक्रोश है। लोगों ने तो यहाँ तक कह डाली कि कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा होनी चाहिए वो देनी चाहिए। फिलहाल शासन प्रशासन ने मौके पर जिस बेकरी में ये घटना को अंजाम दिया गया था, जो ये महापाप जिस बेकरी में किया गया था, उस बेकरी को तो ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ और भी ज़मीनें तलाश की गई हैं जो अवैध पाई गई हैं। मोहित खान सपा का नेता है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस पूरे मामले में चुप हैं। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कही कि डीएनए टेस्ट कराकर जो है जो मुलजिम हो उसको कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन जो यहाँ के सांसद हैं उदयेश प्रसाद, उनके साथ इस नेता की तस्वीरें वायरल होना सोशल मीडिया पर शुरू हुई तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने अपना वादा भी किया था कि वो पीड़ित परिवार से 2 अगस्त को ही मिलने आएंगे, लेकिन वो अभी तक जानकारी है कि मिलने भी नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में यहाँ के जो सांसद उदयेश प्रसाद वो मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आपका करीबी बताया था आपके साथ उनकी फोटो वायरल हुई, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ, मैं सांसद हूँ, तकरीबन दिन में 500 से 1000 लोग फोटो खिंचाते हैं, मैं किस किस का ख्याल रखूँ, किसने फोटो खिंचाए, इस बात कहकर वो मामले को टालते नजर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में प्रशासन है और भीड़ भी नजर आ रही है, यानी जो दिल्ली से टीम आई है राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद के नेतृत्व में जो यहाँ पर सदस्य टीम आई, वो केंद्रीय समिति को एक जो है क्या कहते हैं बीजेपी की जो केंद्रीय समिति है उसको एक रिपोर्ट देगी, पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, डीएम है, कप्तान है और जो भी यहाँ के जो आईजी डीआईजी, उनसे इस मामले पर तलब किया गया है और उनसे पूरा प्रकरण के बारे में जानकारी भी लेगी। ये पूरी टीम अंदर है, बातचीत चल रही है, पीड़ित परिवार से बातचीत चल रही है और वहाँ पर सभी लोग मौजूद है, क्षेत्रीय विधायक हों या जो पूरी टीम जिनके साथ डेलीगेशन जो टीम आई, वो पूरी टीम अंदर मौजूद है और वहाँ पर जो है इस पूरे मामले की पीड़ित परिवार से बातचीत चल रही है। और अगर बात के लिए सहायता को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पीड़ित परिवार को 5 लाख की त्वरित सहायता जो है प्रदान भी कर दी है। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने चेक भी दे दिया था, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटित हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में एक निंदनीय है। और जिस तरह से एक नाबालिग 12 साल की लड़की को अपना शिकार इस तरह के किसी पार्टी से अगर जुड़े हुए नेता करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सपा बैकफुट पर नजर आ रही है।